हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम लोग रोमन अंक के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो रोमन अंक क्या है? जिस तरह से देवनागरी गिनती या नंबर्स, जिसको हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन और 1 2 3 4 5 6 7 देवनागरी गिनती भी जानते हैं, इसी तरह से रोमन गिनती भी होती है। तो रोमन गिनती को लिखते कैसे हैं? देखिए, रोमन गिनती एक के लिए हम कैसे क्या करते हैं, एक के लिए हम केवल इस तरह से एक ऐसे आई लिख देंगे, इसको आप आई भी पढ़ सकते हैं, तो आई लिख देंगे तो एक हो गया, फिर डबल आई लिख देंगे तो दो हो जाएगा, और ट्रिपल आई लिख देंगे तो तीन हो जाएगा, आई वी लिख देंगे चार हो जाएगा, वी लिख देंगे तो पाँच हो जाएगा, और वी आई लिख देंगे तो छः हो गया, वी डबल आई लिख दिए 7 हो गया, वी ट्रिपल आई लिख दिए तो 8 हो गया, और अगर आई एक्स लिख दें तो 9 हो जाएगा। इस तरह से अगर हम लिख दें कि एक्स से 10 हो गया, तो इस तरह से हम बड़े सरल ढंग से 100 200 1000 500 चाहे जो भी लिखना होगा बड़े आराम से लिख सकते हैं। तो देखिए, अगर अब हमको 11 लिखना होगा तो यहाँ लिखेंगे एक्स आई, फिर एक्स डबल आई, फिर एक्स ट्रिपल आई, फिर एक्स आई वी, फिर एक्स वी 15 हो गया, एक्स वी आई 16 हो गया, एक्स वी डबल आई तो ये 17 हो गया, एक्स वी ट्रिपल आई 18 हो गया, एक्स आई एक्स 19 हो गया, यहाँ एक्स डबल लिख दिए तो 20 हो गया। इसी तरह से हम अगर 21 का लिखना होगा तो एक्स आई डबल करके गई, फिर एक्स करके डबल आई, डबल एक्स ट्रिपल आई, डबल एक्स आई वी, इस तरह से हम एक्स डबल करके वी, डबल एक्स करके वी आई, और डबल एक्स करके वी आई 27 कर दें, और एक्स डबल करके वी ट्रिपल कर दें तो 28 हो गया, और इसको लिख दें एक्स फिर आई एक्स फिर ट्रिपल एक्स लगा दें तो देखिए इस तरह से ये 30 हो गया। तो आप अब देख रहे हैं 10 भी जान गए, 20 भी जान गए, 30 भी। इस तरह से आप किसी भी संख्या को बड़े ही सरल ढंग से लिख सकते हैं। अगर आपको अब 31 लिखना हुआ तो क्या करेंगे, ऐसे करके एक लिखते, अब 3 3 एक्स ऐसे लिखते हुए डबल आई, फिर 3 एक्स लिख करके ट्रिपल आई, फिर 3 एक्स ट्रिपल आई आप करके आई भी लिख दें, फिर इस तरह से वी लिख देंगे, इस तरह से वी आई, इसी तरह से आप वी डबल आई, फिर वी ट्रिपल आई, फिर देखिए अब इसके लिए आपका आई एक्स लिखेंगे। अब जब यहाँ लिखेंगे तो अब इसको लिखना है एक्स एल, ये एक्स एल कितना हो जाएगा 40, मैंने 50 40 हो गया। तो इसी तरह से आप फिर जब यहाँ शुरू करेंगे ऐसे लिखते चले आएंगे, यहाँ लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पर एक्स एल वन, फिर पूरा लिखते लिखते जब यहाँ पहुँचते हो जाएगा यह एल एल हो जाएगा, एल इसको लिख देंगे 50 हो गया। बीच में क्या लिखेंगे, इस तरह से एक्स एल डबल आई, एक्स एल ट्रिपल आई, एक्स एल आई वी, एक्स एल वी, एक्स एल वी आई, एक्स एल वी डबल आई, एक्स एल वी ट्रिपल आई, और एक्स एल आई एक्स। इस तरह से आप रोमन गिनती को बड़े सरल ढंग से लिख सकते हैं। तो अब 50 तक लिखे, अगर 51 लिखना होगा तो एल आई ऐसे लिखते चले जाएंगे, 52 में 52 देखिए 50। अब देखिए,
अगर आपको 60 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 60 के लिए लिख देंगे एल एक्स कर देंगे। अगर 70 लिखना होगा तो लिख देंगे एल डबल एक्स। 80 लिखना होगा तो लिख देंगे एल ट्रिपल एक्स। अगर आपको 90 लिखना होगा तो लिख देंगे एल 90 लिखना है तो आप यहाँ लिखेंगे एक्स लिखेंगे और सी लिखेंगे, यहाँ ऐसे एक्स लिखेंगे और यहाँ सी लिख देंगे। और जब 100 लिखना होगा 100 तो हो गया, ये हो जाएगा सी। अब इस तरह से आप संख्याओं को जहाँ तक लिखना चाहें लिख लेंगे। अगर आपको लिखना हुआ 200 तो 200 के लिए आप लिख देंगे डबल सी। अगर 300 लिखना है तो ट्रिपल सी लिख देंगे। 400 लिखना होगा तो लिख देंगे सी डी। अगर 500 लिखना होगा तो लिख देंगे केवल डी। इस तरह से ये केवल डी लिख देंगे तो 500 हो गया। इसी तरह से अगर आपको 600 लिखना होगा क्या करेंगे, 600 लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कितना, डी सी कर देंगे 600 के लिए। 600 के लिए डी सी कर देंगे, 700 के लिए डी डबल सी कर देंगे। और इसी तरह से अगर आपको 800 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 800 लिखना होगा तो लिख देंगे, यहाँ देखिए डी लिखेंगे और इसके आगे 3 सी लगाएंगे। फिर देखिए अगर 900 लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 900 तो 900 को लिख देंगे, यहाँ पर आप इसे लिखेंगे केवल, यहाँ पर सी लिखेंगे और एम लिखेंगे तो 900 हो गया। 1000 के लिए आप एम लिखेंगे। इस तरह से आप संख्याओं को बड़े सरल ढंग से लिख सकते हैं। अब इसी तरह से अगर आपको अब 1100 लिखना होगा तो क्या करेंगे, 1100 तो लिख देंगे एम सी। अगर 1200 लिखना होगा तो एम डबल सी। इस तरह से आप संख्याओं को लिख सकते हैं। अगर आपको 1000 में लिखना होगा तो 1000 में कैसे लिखेंगे, तो जैसे देखिए अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं लिखनी है, जैसे लिखना है 3000, तो 3000 के लिए आप क्या करेंगे, 3 देख रहे हैं, 3 लिखा है, इसके ऊपर आप ऐसे एक पाई लगा दें, हो जाएगा 3000। आपको 4000 लिखना है तो 4000 लिखने के लिए क्या करेंगे, जब आपको 4000 लिखना होगा तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे आई वी लिख करके इसके ऊपर ऐसे लगा देंगे, हो गए 4000। अगर आपको 10000 लिखना है तो ऐसे करके 10000 लिख सकते हैं 10000। अगर आपको 20000 लिखना है तो ऐसे करके लिख देंगे 20000। तो आशा करते हैं कि अब आपको अच्छे ढंग से रोमन गिनती समझ में आ गई होगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।